आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 8 त्रिकोणमितीय का परिचय की प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका पहला भाग देखो दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस साइन 30 कॉस 60। पहले इनके हम मान रखेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। फिर कॉस 30 का मान भी अंडर रूट 3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2 होता है, गुणा में कॉस 60 भी 1/2 होता है। अब इनको सरल करते हैं। अंडर रूट 3 को अगर अंडर रूट 3 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 3 और नीचे है 4। फिर एक को एक से गुणा किया, एक आ गया और नीचे आ गया 4। तो देखो दोनों का लघुत्तम बराबर है, 4 है, इसे 3 और एक 4 ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे हम, तो ये आ गया 4/4 अर्थात 1। तो इसका पूरे का मान आ गया 1। इसका दूसरा भाग 2 tan² 45 प्लस cos² 30 प्लस माइनस sin² 60। तो सबसे पहले देखो 2 × 10² 45, 10² का मान होता है 1 और 1 का वर्ग। फिर cos² 30, तो cos 30 का मान रख के उसका वर्ग करेंगे हम। cos 30 होता है अंडर रूट 3/2 माइनस sin² 60, साइंस 60 का मान भी अंडर रूट 3/2 होता है, तो उसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। देखो ये आ गया 2 × 1 प्लस ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा सिर्फ, 4, और ये भी हो जाएगा 3/4। तो ये दोनों कट गए आपस में, तो मान क्या आ गया हमारा 2। इसका तीसरा भाग cos 45 / sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। देखो सबसे ऊपर हम मान रखेंगे cos 45 का, cos 45 होता है 1/2 अंडर रूट 2। उसके बाद sec 30, देखो cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/2 अंडर रूट 3 प्लस cosec 30, साइन 30 का उल्टा cosec 30 होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको सिर्फ सरल करना है, मान रखने को हमने सरल कर दिया इसमें। देखो नीचे इसका लघुत्तम आ जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ पे देखो ये आएगा 2 प्लस, इसको 2 को रूट 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ गया, ऊपर आ गया 1/2 अंडर रूट 2। इसको और सरल करते हैं। देखो इस वाले भाग को ऊपर गुणा कर देते हैं और इस वाले भाग को उसके नीचे, तो ये आ जाएगा 1 × अंडर रूट 3 अर्थात सिर्फ अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे 2 + 2 √3, ये सरल करने मिला हमें। देखो इन दोनों 2 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो ऊपर अंडर रूट 3 आ गया और साथ साथ इस 2 को भी हम परिमेयकरण कर सकते हैं 2 का, तो अंडर रूट 2 था ना, इसको हमने अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया। और यहाँ से देखो इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + √3। अब देखो इसके आगे आएगा ऊपर वाला अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 2, ये आ गया अंडर रूट 6। नीचे देखो ये वाला अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 मिलके 2 हो गया। 1 2 हमारे पास पहले से था जो कॉमन लिया था, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 3 + 1। अब हमें इस रूट 3 + 1 को का परिमेयकरण करना है, तो अंडर रूट 3 - 1 अंडर रूट 3 - 1। ऐसा करने पे नीचे a + b a - b बन जाएगा, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन जाएगा और इसका भी परिमेयकरण हो जाएगा। ऊपर अंडर रूट 6 आया और यहाँ पे अंडर रूट 3 - 1। नीचे ये 2 × 2 = 4 आ गया, और साथ में देखो ये a का वर्ग मतलब अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस b का वर्ग 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा इसलिए 1 लिख सकते हैं। इस अंडर रूट 6 से अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो गया, और माइनस अंडर रूट 6, और नीचे देखो 4 आ गया, और यहाँ 3 का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग सिर्फ 3 - 1। तो इस तरह से अंडर रूट 18 को और सरल कर लेते हैं हम। देखो 18 के गुणनखंड कर लेते हैं, 18 किया 2 से किया 9 आया, फिर 3 से 3 3 से 1, यानी 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 √2 - √6/2। देखो इसमें से 2 आएगा और ये 4 है, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो ये इसका सरलतम उत्तर आ गया है। इसका चौथा भाग sin 30 + tan 45 - cosec 60 और बटे में है sec 30 + cos 60 + cot 45। देखो एक एक करके इनके मान रखते हैं, पहले अंश के मार फिर हर के मार। देखो अंश में दिया है साइन 30,
साइन थीटा का मान होता है 1/2। यहाँ कोई वर्ग नहीं, इसलिए वर्ग नहीं करेंगे। टेन पैंतालीस एक है, माइनस कॉसेक 60। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। इन तीनों के मान रख दिए। अब नीचे रखते हैं सेक 30। सेक यानी कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस होता है कॉस 30 बराबर √3/2, तो ये आ गया 2/√3। कॉस 60 1/2, और कॉट 45 एक। टेन 45 और कॉट 45 दोनों ही एक के बराबर होते हैं। अब देखो नीचे वालों का लघुत्तम अलग लेंगे, ऊपर वालों का अलग। ऊपर वालों का लघुत्तम लिया हमने, तो देखो लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ √3, तो 2 √3 इनको गुणा करके लघुत्तम ले लिया हमने। तो देखो पहले वाले में आएगा √3 प्लस यहाँ आएगा 2 √3 माइनस यहाँ आएगा √3 2 × 2 = 4 आ गया। हमने सिर्फ यहाँ लघुत्तम लिया और कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे हर का लघुत्तम लेते हैं। देखो हर में यहाँ √3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 √3 आ जाएगा। इसमें आएगा 4 + √3 + 2 √3। देखो दोनों के हर में, यहाँ देखो ये और ये कट जाएंगे, दोनों के हर एक बराबर हैं, तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 √3 - 4। और नीचे देखो √3 ये वाला और ये मिलके, ये भी 3 √3 + 4 आ रहा है। ऊपर नीचे सिर्फ निशान अलग हैं। देखो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम देखो नीचे वाले के उल्टे निशान से, यहाँ प्लस है ना, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम। 3 √3 - 4, 3 √3 - 4। देखो माइनस 4 हमने इसलिए नहीं लिया कि यहाँ ऊपर माइनस है, इसलिए लिया क्योंकि नीचे प्लस है। जो भी यहाँ निशान होगा नीचे प्लस का, उसी का उल्टा निशान यहाँ लेंगे हम, ताकि इसका परिमेयकरण कर सकें हम। ऊपर देखो ये वाली संख्या और ये दोनों एक ही हैं, मतलब इसका पूर्ण वर्ग आ गया 3 √3 - 4 का वर्ग। और नीचे a + b, a - b, तो a² - b² अब इसको देखो हम सरल कर सकते हैं आसानी से। ऊपर देखो a² मतलब 3 √3 का वर्ग प्लस b² 16 माइनस 2ab 2 × a × b 2 × 3 = 6 = 24 √3। और नीचे आएगा हमारा 3 का वर्ग 9 √3 का वर्ग 3 -16। तो देखो नीचे तो सरल हो गया, 9 × 3 = 27 27 - 16 आ गया 11। और ऊपर देखो ये 9, ये तो अभी हमने निकाला ही था, 9 × 3 = 27, ये डायरेक्ट 27 रख सकते हैं हम, 27 आ गया, क्योंकि 3 × 3 = 9 और × 3 = 27 प्लस 16 माइनस 24 √3। अब देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, 6 और 7 = 13, 2 और 1 = 3 = 4 43 माइनस 24 √3/11। ये इसका सरलतम मान है। पहले प्रश्न का पांचवा भाग, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45। और नीचे है sin² 30 प्लस cos² 30। तो देखो ऊपर पहले मान रखते हैं हम अंश में, अंश में आ गया 5 × cos 60 का मान होता है 1/2, और उसका वर्ग करना है क्योंकि cos² 60 है यहाँ पे, प्लस 4 × sec² 30। देखो cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 और उसका वर्ग क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 10 = 45 का मान 1 है और उसका वर्ग कर दिया हमने। और हर में आते हैं, हर में देखो sin 30 होता है 1/2, तो उसका वर्ग, प्लस cos 30 होता है √3/2, उसका वर्ग। अब इसको अगर सरल करते हैं हम, तो देखो नीचे 1/4 प्लस ये आ गया 3/4, दोनों बाद में मिलके क्या हो जाएंगे 4/4। ये हो गया 4/4, 4/4 कट के 1 आएगा, मतलब नीचे वाली संख्या को हम छोड़ सकते हैं। अब ऊपर वाली संख्या देखो, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1। तो हमें सिर्फ ऊपर वाली संख्या पे ध्यान देना है। ऊपर वाली संख्या देखो, नीचे मैंने संख्या छोड़ दिया है, अब मैं इसका लघुत्तम ले रहा हूँ 4 का और 3 का। देखो 4 और 3 का लघुत्तम 12 आ गया, इस 3 से यहाँ गुणा करेंगे 3 × 15 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 × 4 = 16 है, और 16 × 4
4 चौक 16 और 16 चौका 64 माइनस, यहाँ पे एक है तो एक को देखो 4 3 दोनों से गुणा करके यहाँ पे 12 आ जाएगा और नीचे एक। अब इस एक को हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो ऊपर कितना आएगा देखो, इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, 5 और 4 9 आ गया, 1 और 6 7 माइनस 12/12, 9 में से 2 गया यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 67/12 इसका सरलतम मान है।